हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जैसे कि आप जानते हैं, मैं जो आप लोगों को कुछ अपडेट दे रहा हूँ स्कूल या कॉलेज से रीओपन्स के बारे में, और कई स्टूडेंट्स मुझको कमेंट करके पूछा है कि सर कॉलेज के बारे में भी अपडेट दीजिए और कॉलेज के एडमिशंस और ऑनलाइन के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, क्योंकि मैं 10th क्लास के बारे में ऑलरेडी दे चुका था। तो आज एक आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल को मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। उसी के अंदर आपको देखिए आप लोग कि आर्टिकल में कहा गया है कि इंटरमीडिएट के एडमिशंस गवर्नमेंट ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है एडमिशंस के लिए। तेलंगाना स्टेट के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे तो फर्स्ट फेस एडमिशन्स 5 जुलाई तक लिया जाएगा। तो 5 जुलाई तक आप फर्स्ट फेस एडमिशन्स ले सकते हैं, और सेकंड फेस या थर्ड फेस एडमिशन्स के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। अगर जैसे ही आते हैं मैं आप लोगों को बतलाने की कोशिश करूँगा। और उसी तरह क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जून 1 से शुरू हो रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। यानी 1 जून से सभी कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होंगे, और प्राइवेट कॉलेजेस को गवर्नमेंट ये भी ताकीद की है कि किसी भी स्टूडेंट्स को टेस्ट के जरिए एडमिशन्स नहीं लेना चाहिए या एंट्रेंस एग्जाम्स के जरिए एडमिशन नहीं लेना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ एसएससी में जो ग्रेड्स आए हैं वो ग्रेड्स को देखते ही एडमिशन्स लिया जाए, ये इंटर बोर्ड की तरफ से आदेश दिया गया है। और स्टूडेंट्स के लिए आधार कार्ड भी कंपलसरी हो गया है, और आधार कार्ड मैंडेटरी ज़रूरी है, इसलिए आप लोग आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड ज़रूर दीजिए। और ये भी कहा गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस को ज़्यादातर स्टूडेंट सेक्शन से बढ़कर नहीं ले सकते, उसके लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये अपडेट आया था स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यही अपडेट दे रहा हूँ। तो 1 जून से आप लोगों के कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एडमिशन्स लेने होंगे, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मेरे मनोकामनाएँ हैं कि आप सब अच्छा पढ़िए, अपना फ्यूचर अच्छा डिसाइड कीजिए। जिस तरह 10th क्लास में आपको रैंक आया है, उसी तरह हम उम्मीद करते हैं और यकीन करते हैं कि इंटरमीडिएट में आपको अच्छी तरह अच्छे से अच्छा रैंक आए। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को अपडेट है, और अगर कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बतलाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और कई स्टूडेंट्स मेरे चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत अफजाई होगी, मेरी हिम्मत भी बढ़ेगी। जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आप की वजह से ही मेरा चैनल रन हो रहा है, तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, और नए स्टूडेंट्स आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को जरूर मैं आप